नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेडी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में डायबिटीज़ की रोगी होना आम बात है। आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है उससे डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से अपना पकड़ बना रहा है। स्थिति यह है कि न सिर्फ अधिक उम्र के लोगों में बल्कि आज के समय में युवा और बच्चे भी डायबिटीज़ के चपेट में आ रहे हैं। यह एक ऐसा रोग है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। एक बार अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो जीवन भर इसका साथ रहता है। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह या शुगर, यह तीनों नाम से जाना जाता है। यह चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च होता है। उच्च रक्त शर्करा के कारण बार बार पेशाब आना, प्यास ज़्यादा लगना, आँखों में कमजोरी महसूस होना, शरीर का सूखना, थकान महसूस होना, आँखों की रोशनी कम होना आदि इसके लक्षण हैं। अगर आप भी शुगर के मरीज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा हर्बल कैप्सूल का रिव्यू लाए हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वरदान है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए हुए बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले, जो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी शुगर के मरीज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा हर्बल कैप्सूल का रिव्यू लाए हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वरदान है। आज हम हर्बो डाइबोकोन कैप्सूल का रिव्यू लाए हैं जो हाजमी अमराहो कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है, जो GMP ISO सर्टिफाइड कंपनी है। एक हर्बल कैप्सूल है जिसे आप कोई भी मेडिकल स्टोर में आसानी से खरीद सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर भी आप इस कैप्सूल को आसानी के साथ खरीद सकते हैं। यह कैप्सूल आपके शुगर को नियंत्रित करता है, आपके इंसुलिन स्रोत को भी नियंत्रित करता है, अग्नाशय में नए बीटा कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे शरीर में खून की कमी ना हो। दोस्तों, शुगर के मरीजों में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है जिसमें यह ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से डायबिटीज़ के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम हो जाता है। यह मेडिसिन रक्त में शर्करा की मात्रा को भी संतुलित करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह कैप्सूल शुगर के मरीजों के लिए एक वरदान है। यह शुगर के कारण होने वाले हमारे आंतरिक क्षतियों को ठीक करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यह एक हर्बल कैप्सूल है जिसका आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक है, आपके शरीर को बिना नुकसान पहुँचाए यह अच्छे से काम करता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें मिला है शिलाजीत, गुलमार बटी, करेला, नीम, यशद भस्म, गिलोय, मेथी, जामुन, बिसार, अमला, हल्दी, कनौ जी और तुलसी इसके इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए हमारे शरीर के लिए अच्छे से काम करता है। अब इसके सेवन विधि जान लेते हैं। तो इसका एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है। अगर इस कैप्सूल को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अनुभवी हकीम से सलाह ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।